सो हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्राउन जूल के एक ऐसे मैच के बारे में जिसको अगर मैं बोलूं कि क्राउन जूल का ये हमें सबसे बड़ा मैच देखने को मिलेगा तो ये गलत नहीं होगा। और ये मैच है ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। तो फिलहाल दोस्तों WWE इस मैच का जो इंटरेस्ट है उसको फैंस के अंदर इतना बना चुकी है कि फैंस इस मैच को देखने के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो और मैचेस क्राउन जूल के अंदर होने वाले हैं उनसे ज़्यादा हाइप WWE इस मैच के लिए फैंस के बीच में बना चुकी है। जैसा कि हमने जो अभी हाल ही का रोक एपिसोड हुआ था वहाँ पर हमें ब्रोल देखने को मिली थी, तो उसके बाद तो WWE इस मैच को ऑफिशियली कन्फर्म किया और फैंस का जो इंटरेस्ट है वो इस मैच के लिए और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों मैं आपसे को ये बता दूँ कि पहले जो ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच हुआ था उससे ये टोटली डिफरेंट होने वाला है और WWE इस बार इस मैच के अंदर एक वॉर टाइप मैच प्लान कर रही है। तो स्टूडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली में से कौन सा सुपरस्टार क्राउन जूल के अंदर जीतने वाला है। तो बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे को ये बता दूं कि स्टिल ये मैच फैंस का ड्रीम मैच है। हालांकि ये मैच हो चुका है WWE के अंदर, लेकिन फैंस का स्टिल ये ड्रीम मैच है क्योंकि पहले जो मैच हुआ था वो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इस बार ये मैच कुछ नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो पहले हम बॉबी लैशली का पक्ष रखते हैं। तो बॉबी लैशली की जो बुकिंग है वो WWE के अंदर एक मेगा स्टार के तौर पर होती है, और WWE के अंदर बॉबी लैशली एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने रेसलमेनिया के अंदर ओमोस को हराया है। और बॉबी लैशली ऐसे पहले सुपरस्टार बने थे जिन्होंने ओमोस को क्लियर पिनफॉल के जरिए WWE की रिंग में हराया था। तो उसके बाद तो बॉबी लैशली की जो बुकिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुकी है। तो अब हम बात करते हैं ब्रोक लेसनर के बारे में। तो ब्रोक लेसनर का तो आपसी को पता है बीस्ट वाला करैक्टर है, बीस्ट मोड है ब्रोक लेसनर का। फिलहाल वो काउबॉय के करैक्टर में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बॉबी लैशली के बिहाव पे अगर हम देखें तो ब्रोक लेसनर की बुकिंग हमेशा ही हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल के टाइम पर ब्रोक लेसनर रोमन रेंस के हाथों काफ़ी सारी लॉसेस अफोर्ड कर चुके हैं, और WWE अब शायद ये प्लान ना करे कि बॉबी लैशली के हाथों भी ब्रोक लेसनर को हराया जाए। और पहले भी यहाँ पर बॉबी लैशली ब्रोक लेसनर को हरा चुके हैं, हालांकि वो क्लियर नहीं था, लेकिन हराना तो हराना होता है और बॉबी लैशली ब्रोक लेसनर को हरा चुके हैं। तो इस मैच को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ब्रोक लेसनर को भी WWE वीक नहीं दिखा सकती, बॉबी लैशली का स्ट्रोक भी काफ़ी हाई है WWE के अंदर। तो इस मैच को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि हम किसी एक विनर को यहाँ पर प्रिडिक्ट करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार शायद यहाँ पर ब्रोक लेसनर जीत सकते हैं बॉबी लैशली को हराकर। तो ऐसा मैं इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आगे भी WWE के और भी काफ़ी बड़े शोज़ के लिए ब्रोक लेसनर एडवर्टाइज है, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, तो वहाँ पर भी ब्रोक लेसनर की बुकिंग होने वाली है। और ये भी हो सकता है कि शायद WWE इस फ्यूड को स्ट्रेच कर दे और शायद ये रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया तक हमें इनका एक बार फिर से मैच देखने को मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन जूल के अंदर शायद ब्रोक लेसनर इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पर गलत हूँ क्योंकि बॉबी लैशली का स्ट्रोक भी हाई है, और इसलिए मैंने ये बात पहले ही बोली है कि इस मैच को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन स्टिल मुझे चांसेस यहाँ पर यही लग रहे हैं कि ब्रोक लेसनर इस मैच के अंदर जीत सकते हैं। और ये भी दोस्तों इस मैच के अंदर इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ पर बॉबी लैशली और ब्रोक लेसनर दोनों ही फेस सुपरस्टार है, कोई भी हील सुपरस्टार नहीं है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि फैंस यहाँ पर ब्रोक लेसनर के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं और बॉबी लैशली के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि WWE किस सुपरस्टार को सपोर्ट करती है और क्राउन जूल के अंदर हमें कौन सा सुपरस्टार एज ए विनर देखने को मिलता है। तो बस दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए, कमेंट्स के अंदर आप सभी अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।